नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं विनोद विश्वकर्मा आपको आपके चैनल फीके भी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शख्स अपने जिंदगी में कभी जीरो था लेकिन आज वो अपनी इंडस्ट्री का स्टार नहीं दोस्तों बल्कि सुपर स्टार है। दोस्तों कबीर के पिताजी दिल्ली जैसे शहर में चना बेचा करते थे। दोस्तों इनका खुद का जन्म इनके घर में नहीं बल्कि इनके पड़ोसी के घर में हुआ था। वजह कि बारिश की वजह से इनका घर पूरी तरीके से ढह चुका था। दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा शख्स कैसे अपनी इंडस्ट्री का स्टार ने सुपर स्टार बना। और दोस्तों सबसे पहले मैं उस शख्स का नाम बताना चाहूंगा। दोस्तों उस शख्स का नाम है मिस्टर खेसारी लाल यादव। दोस्तों खेसारी लाल यादव जी ने खुद ये बताया है कि इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सा संघर्ष किया है, बहुत सी असफलताओं का सामना किया। पापा मेरे चना बेचते थे, बारिश में मेरा घर ढह गया था और घर में रहने की संभावना थी ही नहीं। तो बगल के ईंट का घर था, मेरे अपने गांव के थे वो, तो उनके घर में ही मेरा जन्म हुआ था शायद, ऐसी माँ बताती है मेरी। और मेरे पापा इतना मेहनत किए कि वो दिन में चना बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते थे, कंपनी में कहीं गार्ड की भी नौकरी करते थे। मम्मी मुझे 6 साल में ही छोड़ के दिल्ली रहने लगी क्योंकि पापा को बना खिलाने वाला कोई नहीं था। एक छोटा सा झोपड़ी था, संजय कॉलोनी एक जगह थी मेरी ओखला में दिल्ली में, तो वहाँ पर पापा एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोस्तों इनका इंटरेस्ट था, इनकी रुचि थी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का। ये गाय भैंस चराते थे और उसी टाइम गाना गाते थे। इनकी जिद की वजह से इनके पिताजी ने इनको कुछ पैसे भी दिए लेकिन इनका वो एल्बम जो है फ्लॉप रहा, उसमें सफलता नहीं मिली। दोस्तों ये अपनी पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचा करते थे और इस तरीके से लगातार ये प्रयास करते रहे, लगातार कंटिन्यू प्रयास करते रहे। बहुत से कई एल्बम निकाले इन्होंने बट उसमें सफलता नहीं मिली, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन दोस्तों एक ऐसा मूवी जो इनको फेमस कर दिया, साजन चले ससुराल। दोस्तों कहते हैं ना संघर्ष से ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में, अरे आधी तूफान भी थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। दोस्तों खेसारी लाल यादव जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।